and the fans went berserk. Berserk. कैसे NTR भाई? My fans are berserk. Berserk. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा. नमस्कार, आदाब एंड वेलकम. दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो. वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ. हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो तब हुई जब राजामौली सर द्वारा डायरेक्टेड RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू कंपोज्ड बाय मिस्टर MM कीरावानी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला. और इसी के साथ ही देश भर खुशी से झूम गया. इनफैक्ट जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे वो तो खुशी के साथ साथ कंफ्यूज भी हो गए कि नाचो नाचो नहीं था वो. Now this was the first time जब किसी इंडियन आर्टिस्ट को गोल्डन ग्लोब्स में सम्मानित किया गया. अब ये गोल्डन ग्लोब्स, ऑस्कर्स, एमीज, ये काफी बड़े अवार्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर दिए जाते हैं, उनके मायने भी होते हैं. फिल्म फेयर तो अनन्या पांडे को भी मिल जाता है. मुझे क्यों तोड़ा? तो ये एक नेशनल अचीवमेंट था और जाहिर सी बात है इसके बाद लोग काफी खुश हो गए. एंड द फैंस वेंट बर्ज़र्क. बर्ज़र्क क्या बोले, मैं समझा नहीं. कैसे NTR भाई? माय फैंस आर बर्ज़र्क. बर्ज़र्क तुमसे ना हो पाएगा. मतलब एंटी कोलोनियल सेंटीमेंट पे पूरी पिक्चर चल गई. और जब वहां अवार्ड लेने गए तो वहां अपना एक्सेंट भी ठीक से नहीं ले जा सके. क्या यार NTR भाई. अब इस खबर में पब्लिक अटेंशन था तो भाई पॉलिटिक्स भी होनी थी, जिसकी शुरुआत की आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने, जिन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आंध्र प्रदेश का अचीवमेंट बताया. एंड लेट्स बी क्लियर, उनके ट्वीट में लेट्स टेक दिस एंड मेक इट अबाउट मी वाली वाइब्स आ रही थी. फिर सिंगर अदनान सामी ने इसे कॉल आउट करते हुए इसे सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी का एग्जाम्पल बताया और बताया कि आंध्र प्रदेश से या तेलुगु सिनेमा से कई पहले ये इंडिया की अचीवमेंट है और ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, खासकर ऑन द डे जहां पर अवार्ड जीता गया है. एंड आई पर्सनली अग्री विद दिस व्यू पॉइंट, क्योंकि ऐसे मौके पर ये जो आप जानबूझकर आंध्र प्रदेश सेंटीमेंट निकाल कर आप इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे हो, तो भाई जब नेशनल अचीवमेंट है, नेशनल सेलिब्रेशन है, तो आप थोड़ा मामला किरकिरा कर रहे हो और पॉलिटिक्स खेल रहे हो. सही पकड़े हैं. अगली एक बड़ी खबर आई क्रिकेट से, या स्पेसिफिकली कहें तो रणजी टूर्नामेंट से, जहां पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन पारी खेलते हुए ऑलमोस्ट रन अ बॉल पर 380 रन बनाए, जो रणजी और फर्स्ट क्लास के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है. अभी क्रिकेट में तो एक बड़ा अचीवमेंट था ही, अगर आप पर्सनली अगर एक आप प्लेयर की बात करो, पृथ्वी शॉ की बात करो, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी. क्योंकि इस मामले को अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम से पृथ्वी शॉ पे काफी गंभीर आरोप लग रहे थे. ये कई जगह कहा जा रहा था कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे मौके पर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलकर एक प्लेयर ने अपने आप को रिवाइव किया है एंड इज बैक विद द बैंग. अब देखना ये होगा कि ये इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के दावेदार बनते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां आपको पता है कि भाई ईशान किशन और शुभमन गिल अपने आप को एज ओपनर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर ही रहे हैं. जहां तक 5 नंबर या 6 नंबर की बात है तो वहां भाई KL राहुल भी अब ठीक पारी खेल चुके हैं एज यूजुअल. तो सिलेक्टर्स के लिए थोड़ा काम उन्होंने मुश्किल कर दिया है. पिछली बार क्या बोला था? चलो न्यूज की बात कर लेते हैं और एक ऐसी न्यूज से शुरुआत करेंगे जो आपसे, मुझसे, हम सबसे वास्ता रखती है और हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा कि आजकल एक धारणा बन गई है कि अगर कोई करेंसी नोट पे कुछ लिखा है कि भाई सोनम गुप्ता बेवफा है, प्रीति आई लव यू, तो दुकानदार अक्सर उसको खारिज कर देते हैं कि भाई इस नोट पे तो कुछ लिखा है, ये तो फालतू का नोट है, ये नहीं चलेगा, दूसरा लेके आओ. लेकिन इस हफ्ते सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेकर PIB फैक्ट चेक ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, अगर आपके नोट पे कुछ लिखा भी होता है, इवन इन दैट केस वो एक लीगल टेंडर बना रहेगा और आप उससे वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं. हाँ, एक एडवाइजरी जरूर जारी की है कि भाई ये बैंक का नोट है, एक लीगल टेंडर है, इस पर आप स्टेपल मत करो, इससे आप नोटों की माला मत बनाओ और इसको लव लेटर समझकर इस पर गजलें तो मत ही लिखो. अगली बड़ी खबर है हमारे देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर से, यानी कि कार, गाड़ी, घोड़ा, साइकिल, नहीं साइकिल नहीं और घोड़ा भी नहीं. पिछले साल की सेल्स को मापें तो इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है. हमारे देश में पिछले साल 4.25 लाख गाड़ियां बिकी, जो दुनिया भर में USA और चाइना के बाद हमारे देश को तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बना देता है. अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया का जो ऑटो सेल्स है वो फ्रॉम एक्सपेक्टेड थोड़ा स्लो ही रहा है. पहले 2019 तक काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर पेंडेमिक हिट कर गया तो लोगों के पास उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक कार वार खरीद पाए. उसके बाद एक सेमीकंडक्टर का एक क्राइसिस आया, जिसके बाद 2020, 21 और 22 तक वो चला. अब वो सॉर्ट आउट हो गया है तो आप इस वाले सेक्टर को अगले कुछ सालों तक ग्रो करता देख सकते हैं. अच्छा, क्या आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं? अगर नहीं भी करते हो तो वीजा और पासपोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा. बेसिकली पासपोर्ट होता है अमीरों का राशन कार्ड, उसमें कुछ नहीं होता, जो होम कंट्री होती है जैसे कि हमारे लिए इंडिया,
वो एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको एक पासपोर्ट इशू करती है। और मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने गए, जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले आपको एक वीजा देंगे, मतलब उनकी कंट्री में आप कितने टाइम तक रह सकते हो और किस कैपेसिटी में रह सकते हो वो वीजा डिसाइड करता है। अब एक लंदन बेस्ड ग्लोबल फर्म है हेनली एंड पार्टनर्स, जो करती क्या है कि दुनिया भर के पासपोर्ट्स की एक रैंकिंग निकालती है। मतलब बेसिकली दुनिया के जितने भी पासपोर्ट्स हैं उनमें से किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, जिसमें पिछले कई सालों की तरह इस साल भी इंडिया की रैंक 80-90 के बीच में ही आई है। इस साल इंडिया का इस रैंकिंग में पायदान आया है 85th, और ये पता चला है कि हमारे देश का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप दुनिया भर के लगभग 60 ऐसे देश हैं जिनमें आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हो या आपको वीजा ऑन अराइवल चाहिए होगा। अब ऐसे कौन से देश हैं जहां पर आप बिना वीजा के इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हो, ये सामने आपकी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हो और अगर पैसा है तो जा भी सकते हो। अच्छा, ये सूची 59 देशों की है जो पिछले साल तक 60 देशों की हुआ करती थी। एक ऐसा देश है सर्बिया जहां पहले वीजा ऑन अराइवल हुआ करता था, लेकिन इस साल क्योंकि माइग्रेशन बढ़ गया था उनके देश में इसलिए उन्होंने अपने आप को लिस्ट से हटा दिया। अगली खबर है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली बताऊं तो ग्लेशियर्स से रिलेटेड। अरे जब भी ग्लेशियर्स की बात आती है तो दो मापदंड होते हैं किसी भी ग्लेशियर के या फिर रेंज के। एक होता है ग्लेशियर नंबर, यानी कि किसी भी माउंटेन रेंज में कितने ग्लेशियर्स हैं, और एक होता है ग्लेशियर मास, क्योंकि कुछ ग्लेशियर्स दूसरे ग्लेशियर्स से छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए उनका मास भी वेरी करता है। अब साइंटिस्ट ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल के एंड तक यानी कि 2100 तक जो ग्लेशियर नंबर है वो 80% से कम हो जाएगा और जो ग्लेशियर मास है वो 40% से कम हो जाएंगे। और इसका मतलब आप जानते हो कि ग्लेशियर सूखने लगेंगे, और अगर ग्लेशियर सूखेंगे तो भाई नदी में पानी नहीं आएगा, नदी में पानी नहीं आएगा तो खेतों में पानी नहीं आएगा, खेतों में पानी नहीं आएगा तो अनाज नहीं उगेगा, और जब अनाज नहीं उगेगा तो आटा नहीं आएगा, आटा नहीं आएगा तो मोमोज कैसे खाएंगे हम इतनी सर्दी में, शर्म कर लो। अच्छा, अगला वाला ना सेंसोडाइन माफिक बिल्कुल सेंसिटिव है, ध्यान से सुनना। इस हफ्ते उड़ीसा हाई कोर्ट ने सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, यानी कि शादी का वादा देकर शारीरिक संबंध बनाना, इसको लेकर उन्होंने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कॉन्टेक्स्ट चाहिए? दरअसल भुवनेश्वर के एक केस की सुनवाई हो रही थी जिसमें एक बालिक लड़की को लड़का शादी का बहाना या फिर कहते हो शादी का जो प्रॉमिस वादा करता है, और वो दोनों साथ में भाग जाते हैं, कहीं दूसरे शहर रुकते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद लड़का उसको छोड़ देता है। इस पर रेप चार्जेस लगते हैं जो ज्यादातर केसेस में सेक्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज के लिए यूज होते हैं। अब कई बार हम सोसाइटी में ऐसे केसेस देखते हैं जहां कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है और बाद में रेप चार्जेस लग जाते हैं और कहा जाता है ये सेक्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज है। इसमें होता क्या है कि आईपीसी की धारा 90 लगती है जो कॉन्सेंट अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन की बात करता है, तो कॉन्सेंट वाला मामला है जो गड़बड़ा जाता है यहाँ पे। तो इसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि इस लॉ को रिलुक करने की जरूरत है, यानी कि इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि रेप एक नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस है और कभी भी कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप होता है और बाद में जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो गलत फायदा उठाया जा सकता है। काफी सेंसिटिव मसला है सोसाइटी को लेकर, इसमें ऑलरेडी काफी डिबेट चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द फाइनेंस न्यूज ऑफ द वीक। देखो, पिछले कई टाइम से हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन की, यानी कि मंदी की, और इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 एक ऐसा साल हो सकता है जब वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रिसेशन को टिप कर सकती है, यानी कि रिसेशन में जा सकती है। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो फिर भी 6.6% से ग्रो करेगी, हालांकि पहले जो अनुमानित था 6.9% उससे ये थोड़ा कम रहेगा, फिर भी इंडिया की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले अच्छा ग्रो करेगी। लेकिन जो मेजर इकोनॉमीज हैं, यूएस की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, ये काफ़ी कम रेट पे ग्रो करेंगी। इसमें मोटा मोटा ये समझा जा सकता है कि पैसे के मामले में ये साल आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके शहर के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए काफ़ी तंग रहने वाला है। तो भाई थोड़ा पैसे के मामले में सचेत रहना, 2023 कैन बी रिस्की ईयर। नॉनसेंस न्यूज, द सेगमेंट वेयर वी सी इट ऑल। जैसे यूजुअली देश चलता है ना एंटरटेनमेंट 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 से, यहां चलता है नॉनसेंस नॉनसेंस और नॉनसेंस। बैंगलोर एयरपोर्ट पे पता क्या हुआ? एक एयरप्लेन अपने 50 पैसेंजर्स को बोर्डिंग बस में ही भूल गया और उड़ान भरती। एक दो पैसेंजर नहीं भूला, 50 पैसेंजर भूल के टेक ऑफ कर गया। ये एयरप्लेन्स का क्या सीन चल रहा है आजकल? कभी पैसेंजर भूल जाते हैं और गलती से याद रख लिया तो ऊपर जाके सुसु हो जाती है। आप एग्जाम के पहले पेन भूल सकते हो, टेक ऑफ के पहले पैसेंजर कैसे भूल सकते हो? मतलब रनअप में इतना क्या खो गए कि बॉल ही पकड़ना भूल गए? खत्म, बाय बाय टाटा। अच्छा, एयरपोर्ट पे ही एक और मस्त घटना हुई, इस बार कोलकाता एयरपोर्ट पे, जब कोलकाता से बैंकॉक जाते हुए एक आदमी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पकड़ा क्योंकि
वो गुटखे के पैकेट में डॉलर स्मगल कर रहा था। हाँ, गुटखे के पैकेट थे जिसके अंदर उसने 100-100 डॉलर के नोट डाल रखे थे। $40,000 स्मगल कर रहा था ये, मतलब अगर $100 का नोट पर पैकेट भी मान लो तो 400 पैकेट। अबे पकड़ा तो जाम नहीं था, 400 गुटखे के पैकेट, इतनी तो अजय देवगन की डाइट नहीं है। बोलो जुबा केसरी। और लॉजिकली सोचो तो बैंकॉक को इतना गुटका क्यों ही ले जाएगा, निरोध हो तो समझ में भी आए। बहुत तेज हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक सरकारी कॉलेज के लेक्चरर ने अपनी शादी कैंसिल कर दी क्योंकि लड़की वालों ने दहेज में फॉर्च्यूनर देने से मना कर दिया था। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है, शिक्षक होके ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती, फॉर्च्यूनर मांग रहे हो दहेज में जबकि मार्केट में बलिनो का रेट चल रहा है। अच्छा ये वाली क्लिप सुनो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने तो अब राहुल को मर्डर कर दिया, आप पप्पू पप्पू मजाक उड़ाओ, जिसको आप उड़ा रहे हो मैं नहीं जानता, मैंने तो उसको निपटा दिया, हम जानते ही नहीं, हमारा लड़का है ही नहीं। तो ये जनाब जो आजकल अपनी हरकतों की वजह से कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहते हैं, ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए राहुल गांधी पर राहुल गांधी की हत्या का आरोप लगाने। ये हम सकल जो राहुल गांधी है जो दावा कर रहा है कि इसने राहुल गांधी की हत्या कर लिया है, मुझे डर है कि कहीं ये प्रियंका बांडरा और सोनिया गांधी की हत्या न कर दे। पॉलिटिक्स क्या बोल दूं, क्या क्या जोक मार दूं यहाँ पे मैं। अगली इंटरेस्टिंग खबर है इक्वेडोर देश से, और इससे पहले मैं आपको बताऊं 2 मिनट के लिए ना अपना एक्टिविस्ट माइंडसेट साइड में रखो एंड हियर मी आउट। 2 सोशल इश्यूज बताता हूं आपको। एक ये होता है कि जेंडर आइडेंटिटी पर काफी ज्यादा आजकल डिबेट चल रही है, दैट पीपल आर बोर्न इन अ मेल और अ फीमेल बॉडी एंड दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज एन अपोजिट सेक्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरी ये होती है कि जब भी किसी पेरेंट में एक चाइल्ड की कस्टडी को लेकर कभी भी कोई केस आता है तो जो कोर्ट होता है वो ज्यादातर मदर को फेवर करता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसकी कस्टडी लेने की बात आए इन केस द पेरेंट्स आर सेपरेटिंग तो माँ को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब यही केस क्लैश हुआ इक्वाडोर देश में जहां ये इंसान है रेने रेमोस, जिनकी जो बच्ची थी उनकी जो कस्टडी थी उसकी माँ को मिल गई। तो इन्होंने अपनी बच्ची की कस्टडी लेने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया और बोला कि आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, आई एम द मॉम टू योर फेस। अब वहां के कोर्ट भी परेशान है कि इस आदमी से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अगर कुछ कह दिया तो अलग सोशल डिबेट में फंस जाएंगे, और ये सबको पता है कि ये जो कर रहा है वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कर रहा है तो इसकी पर्सनल मजबूरी भी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं पॉजिटिव न्यूज की तरफ। अच्छा क्या हूं मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे देश में आज भी ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। हाँ, आजादी के 75 साल बाद तक ऐसे कई सारी जगह हैं जहां अभी भी वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी बिजली वो नहीं पहुंची है। हालांकि सरकार क्लेम कर चुकी है कई सालों पहले कि उन्होंने कई सारे गांवों को, देश के ऑलमोस्ट हर गांव को इलेक्ट्रिफाई कर दिया है, बट अभी भी वो कागजी मामला है। अगर आप रियलिटी में देखें तो कई सारे गांव हैं जहां बिजली पहुंचना बाकी है, और ये साबित होता है जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक गांव है दुरू जहां पर इस हफ्ते पहली बार बिजली पहुंची है और वहां के लोग काफी खुश हो गए क्योंकि लगभग 150-200 लोग इस गांव में रहते हैं और उन लोगों को बिजली पहली बार नसीब हुई। और गांव वालों से जब पूछा गया तो बड़े खुश थे और बड़े छोटे छोटे रीजन दे रहे थे अपनी खुशी के कि भाई अब हम जाके अपना मोबाइल फोन जो है वो हमें चार्ज करने के लिए कई किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, हमारे बच्चे भी अब बिजली के नीचे लैंप के नीचे पढ़ पाएंगे और अब हम भी अपने गांव में टीवी लगा पाएंगे। और ऐसी खबर हमें अपने प्रिविलेजेस का रियलाइज कराती है कि भाई कितनी बेसिक नीड्स है, बिजली पानी जो हमें लगता है कि भाई हमें मिल चुकी है सबको मिल जाएगी, हम इनको रियलाइज नहीं करते, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन चीजों से वंचित हैं और इनको पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पॉजिटिव खबर आती है ऑस्ट्रेलिया से, जिसको आपको पता है कि इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उन्होंने इस हफ्ते डिक्लेयर किया कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 6 सालों में अपने बीचेस पे जो पोल्यूशन है उसे 1/3 यानी कि 1/3 तक कम कर दिया है। और ये जरूरी है क्योंकि पाया गया है कि कोस्टल पोल्यूशन कम करने से ओशियन हेल्थ पर काफी सिग्निफिकेंट असर पड़ता है। इनफैक्ट हमारे भारत में भी ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीचेस को साफ करने में लगी हुई है, और आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कभी कोशिश कीजिएगा अगर आप बीच पे जाएं तो कचरा वहां पर बीच पे ना फैले, बड़ा आसान होता है फेंकना और दूर जाके कहीं डस्टबिन ढूंढकर रखना या फिर पिक पॉलिथिन में सारा सामान रख लो और जब आप वापस जाओ तो वहां पर किसी डस्टबिन में फेंक दो, बाकी फिर अथॉरिटी पर छोड़ दो। ज्यादा एक्टिविस्ट खुद में मत बनो बट बेसिक एक कोशिश करो कि कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर आप ओशन या फिर बीचेस को पॉल्यूट ना करें। ओके, अगले सेक्शन में जाने से पहले 1 2 3 माइक चेक 1 2 3 1 2 3 ऑडियो आ रहा है लाइक्स आ रहे हैं लाइक्स नहीं आ रहे। कुछ तो लोग कहेंगे।
यूनाइटेड इंडिया ने ट्वीट किया है, टू शेड्स ऑफ पीएम मोदी, संसद में बैठे हुए और रैलियों में जाते हुए। मोदी का बड़ा अच्छा लगता है, इतने अच्छे मेथड एक्टर है ना, जहां जाते हैं अपनी पीआर के हिसाब से ढल जाते हैं, क्योंकि संसद में कैमरा है, सब देख रहे हैं, तो बढ़िया मास्क पहने, लेकिन रैलियों में आदमी का फेस दिखना चाहिए, इतना स्किन केयर रूटीन पे इन्वेस्ट हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। बॉलीवुड 2023, कुत्ते, टाइगर, लकड़बग्घा, भेड़िया, हाँ यार क्या हो रहा है ये, आगे मूवी का नाम आएगा गधे, घोड़ी, शेरनी, नहीं वो तो ऑलरेडी मूवी का नाम है। कांग्रेचुलेशंस एसएस राजामौली फॉर विनिंग गोल्डन ग्लोब्स 2023 फॉर नाटू नाटू। थैंक यू मोदी जी। रजत शर्मा, आपकी सफलता की सीक्रेट क्या है गौतम भाई? अडानी जी, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। रजत शर्मा, आप इतनी मेहनत करते हैं क्या? अडानी जी, नहीं मैंने बंदे रखे हैं 18-18 घंटे मेहनत करने वाले। दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे, जो भी मांगोगे जीएसटी देना पड़ेगा। निर्मला ताई को अपनी पड़ी है, मालिक जो भी मांग रहे हो दो मांगना। Some of you bitches are faker than my English accent. Facts bro, facts. सिली पॉइंट ने ट्वीट किया है, जडेजा 3-4 वीक और रुक गया तो अक्षर पटेल तलवारबाजी भी सीखना शुरू कर देगा। हाँ यार, मतलब जडेजा क्या गया, अक्षर पटेल आया, अपनी जगह फिक्स कर गया, आप जडेजा भाई इलेक्शन ही लड़ते रह जाएंगे। पिताजी ये क्या अनाज गाना देख रहा है, न्यूज लगाओ, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो देखो, मीनवाइल न्यूज। न्यूज वाले भी अच्छे हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली है, लोग न्यूज का मजाक ना बनाए इसलिए वो खुद अपना मजाक बना लेते हैं आजकल। इंडिया टुडे पर डांस इंडिया डांस यही देखना रह गया था बस अब। ओके, जितेश पांडा 2 is watching from where the largest coal producing company is situated. तो जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छी न्यूज है कि द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया इज MCL, कोल इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। इन्होंने पिछले साल 157 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया था, विच मेड इट द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया, और ये सिचुएटेड है संबलपुर में जो पड़ता है उड़ीसा में, तो काफी इंटरेस्टिंग। मिस्टर अरुण धाकड़, मंदिरों का शहर और भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जिस राज्य में है उसी का निवासी हो, बताओ कौन सा राज्य की बात कर रहा हूँ। स्वच्छ शहर है इंदौर, और अगर आप राज्य की बात करें तो होगा वो मध्य प्रदेश। ऐसे ही अगर आप शो में फीचर होना चाहें तो बस आपको शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है विथ हैशटैग संडे सार्थक, और आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ना जहां आप रहते हैं वहां उस जगह की शहर की आपको एक हिंट बतानी है, लाइक क्लीनेस्ट सिटी या फिर लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट समथिंग समथिंग, और हम जज करने की कोशिश करेंगे। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।